नमस्कार, फिर से आपको आज़ाद सिपाही में बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल भी आपको जो है अलग अलग जगहों का पंडाल जो है बुंडू प्रखंड क्षेत्र का दिखाया था, और आज फिर से हम आपको बुंडू के और भी जो नए नए पंडाल हैं जो बनाए जा रहे हैं पूजा से पूर्व, हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम जन कल्याण समिति बुंडू के पास भी पहुँचे हुए हैं और ये पंडाल जो अंदर से देख रहे हैं, हालांकि ये अंदर का जो ढांचा है एक मंदिरनुमा है और बाहर में जो है ये स्ट्रक्चर जो है एक टेंट के रूप में एक ढांचा दिया जा रहा है। हालांकि किसी भी थीम पर ये पंडाल नहीं बनाया गया है और लगातार आप देख सकते हैं पीछे की ओर जो हमारी पीछे में जो माँ की मूर्ति जो दर्शाई गई है उस मूर्ति को भी देखने के बाद आपको ये पश्चात मालूम चलेगा कि 5 फीट से ज़्यादा जो है मूर्ति की हाइट जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि पूरे बुंडू में बात करें कि पूरे बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में जिस प्रकार से पंचपरगना क्षेत्र का एक हृदय स्थली माना जाता है बुंडू को, पर यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। हम आगे भी चलेंगे और आगे भी पंडाल में आपको दर्शन करवाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बार पहले से अपेक्षा से इस बार कुछ हल्के से हम लोग पहले 2019 से 2021 में भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अच्छा से करने वाले हैं, और कोविड को देखते हुए जो सरकार की जो गाइडलाइन है 25 लोगों से अधिक से आदमी के हम लोग पंडाल के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। दुर्गा माँ से मैं ही मनोकामना करता हूँ कि 2022 तक ये जो कोविड-19 है वो हमारे इस ये देश से ये क्षेत्र से पूरा चला जाए, और आने वाले साल से हम लोग धूमधड़का से हम लोग को दुर्गा माँ की पूजा और अच्छी तरह से करेंगे। क्या नाम हुआ, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ रिक्की जायसवाल, जल कल्याण समिति का मैं सदस्य हूँ। इस बार हम लोग जो सरकार जो गाइडलाइन दिया गया है इसी तरह कर रहे हैं, छोटा पंडाल छोटा मूर्ति कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग कोरोना काल में छोटा ही हुआ था, उसके पहले साल हम लोग यहाँ चलचित मूर्ति होती थी जो धूम धड़ा के भीड़ होती थी, बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा पूजा होता था। हाँ, प्रसाद वितरण भी करते थे, खिचड़ी वितरण। इस बार तो सरकार के कारण से प्रसाद वितरण का आयोजन नहीं करने बोला गया है, तो वही किया जाएगा। भगवान को कामना करते हैं कि इस कोरोना पूरा मात हो जाए, पिछले अगले साल हम लोग धूमधाम से मनाए सके और पूरा भारत में पूरा विश्व में ये कोरोना मात हो जाए। खोल दे मोबाइल, खोल। पवन महतो, विशाल क्लब का सदस्य हूँ मैं। इस बार आप लोग पूजा किस तरह से मना रहे हैं? इस बार पूजा मना गए हम लोग, जो लॉकडाउन लगी हुई थी कोरोना के चलते उस समय पूजा में जो मंदिर प्रवेश के लिए सरकार का निर्देश था कि प्रवेश नहीं है मंदिर में, फिर पूजा से कुछ दिन पहले मंदिर खोलने का गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जो मिला उसके पालन करते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और पूजा में जो गाइडलाइंस है सरकार का दिया हुआ वो गाइडलाइंस को पालन करते हुए हम लोग मूर्ति 5 फीट से छोटा बनाए हैं। पंडाल भव्य नहीं बनाए हैं इस बार, जो सरकार का गाइडलाइन मिला है हम लोग को उसी के आधार पर हम लोग पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद वगैरह भी वितरण करते थे आप लोग, इस बार क्या? प्रसाद वितरण का अभी कोई निर्णय लिया हुआ नहीं है, जिस तरह से सरकार की अनुमति होगी उसी का पालन किया जाएगा। इस बार वर्ष 2021 में हमारा क्लब शिव शक्ति क्लब छोटे रूप में पूजा कर रहा है, और
झारखंड सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा होगी। ब्राह्मण के बीच में और पुजारी के बीच में आपसी दूरी रहेगी, जो जैसा कि गाइडलाइन में निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही पंडाल में कम से कम संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे और बाहर से ही दर्शन होगा। इस बार कुछ माँ से मन्नत वगैरह मांग रहे हैं? हाँ, इस बार जो है हमारे एरिया में बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई है, उसको लेके हम सब बहुत मर्माहत हैं। माता से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में हम लोगों को इस कष्ट से दूर करें। अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इससे हम सबों को निजात मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, और हम सब फिर पहले की तरह सब भाई बंधु मिल के भव्य पूजा का आयोजन करें, सबके घर में खुशहाली आए। लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था है? हाँ, लाइट के लिए प्रशासन से हमारा कहना है कि अभी हमारे NH-33 में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है जो कि बंद है। अगर सरकार से हो सके या बुंडू के हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा कि ये जो हाईवे रोड में जो स्ट्रीट लाइट है उसे दुर्गा पूजा के दौरान कम से कम चालू करवा दिया जाए, क्योंकि आने जाने के लिए जो है ना, रोड उस पार से आएंगे श्रद्धालु, इस पार से जाएंगे श्रद्धालु, उस बीच में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रशासन से या फिर उच्च अधिकारी से हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया इस लाइट को दुर्गा पूजा में जला दिया जाए। मैं ये इस शिव शक्ति क्लब का सदस्य हूँ, प्रेम शंकर चौधरी नाम हुआ मेरा। मेरा नाम शुभम कुमार भगत है, मैं बजरंग संघ क्लब का सदस्य हूँ, और हमारे यहाँ इस बार का दुर्गा पूजा कोरोना गाइडलाइन के को मानते हुए के निर्देश पे किया जा रहा है। किसान क्लब श्री श्री दुर्गा पूजा किसान क्लब ताओ एगो निर्माण 2014 में हम लोग स्थापित किए, और बहुत जगह से दुर्गा पूजा में माँ बहन लोगों को दिक्कत होता था, दूसरा गांव जाना पड़ता था, जिसमें हम लोग के परिवार में महिला लोगों को बहुत दिक्कत होना पड़ता, सही से पूजा पाठ नहीं हो पाता था। यही सोच कर हम लोग बैठक किए, बैठक करने के बाद हम लोग एक श्री श्री दुर्गा पूजा किसान क्लब ताऊ का एक गठन किए। तैयारी हम लोग का उतना विशेष खास नहीं है, पहले तो हम लोग यहाँ से इस रोड से बिचका टोली तक सजाते थे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से आर्थिक का दृष्टि को देखते हुए सब पुलिस प्रशासन को बात को मानते हुए हम लोग जो है थोड़ा सा बाजा गुजा चाहे लाइटिंग अधिक नहीं किए, बस पंडाल के सामने अगल बगल में थोड़ा सा रहेगा, और ज़्यादा हम लोग विशेष करके नहीं है, साधारण सा हम लोग पूजा पर जैसा सरकार का निर्देश है उसका पालन करते हुए हम लोग करने जा रहे हैं।